पहले टेस्ट के लिए भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान। बाहर हुए टीम से चार चार धांसू खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों का डेब्यू तय। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 चुन ली है, क्योंकि टीम इंडिया को अपनी प्लेइंग 11 तैयार करनी थी और भारतीय टीम के सामने चुनौतियां आ रही थी। ऐसे में कप्तान बुमराह ने चार खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया है और इसके साथ ही दो दो खिलाड़ियों का डेब्यू होने की पूरी तैयारी हो गई है। दरअसल भारतीय टीम के सामने कई मुसीबतें आ गई थी। भारतीय टीम को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि एक तो रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही मुश्किल था, ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सा खिलाड़ी ओपन करेगा। ऊपर से वहाँ पे शुभमन गिल भी इंजर्ड हो गए और ऐसे में शुभमन गिल की इंजरी भारतीय टीम के लिए बड़ी परेशानी बन गई। दरअसल अभ्यास में शुभमन गिल के अंगूठे पर चोट लगी और अब वो पहले टेस्ट मैच में नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में शुभमन गिल की जगह नंबर 3 पर कौन खेलेगा, ये एक बड़ा सवाल सामने आ गया था, क्योंकि भारतीय टीम को अब रोहित और शुभमन दोनों का विकल्प ढूंढना था। ऐसे में कप्तान बुमराह ने गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक बड़ी टीम बनाई और इस टीम में दो दो खिलाड़ियों का डेब्यू की तैयारी हो चुकी है। तो आपको एक एक करके उन खिलाड़ियों के नाम बताते हैं जो भारतीय टीम के लिए पहले टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखाई देंगे। और आपको बता दें कि टीम इंडिया ने कई कड़े फैसले लिए हैं। यशस्वी जायसवाल, जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। यशस्वी जायसवाल भारतीय टीम की सबसे बड़ी उम्मीद होंगे। जायसवाल को इस दौरे पर खूब सारे रन बनाने होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज उन्होंने जिस हिसाब से गवाई, यानी कि उन्होंने उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं किया जितनी वो उम्मीद करते थे, और अब उन्हें ऑस्ट्रेलिया में जाकर दुनिया को बताना होगा कि क्यों उन्हें एक महान खिलाड़ी भविष्य में गिना जाएगा। अभिमन्यु ईश्वरन, जी हाँ दोस्तों, अभिमन्यु ईश्वरन का डेब्यू होने वाला है। अभिमन्यु ईश्वरन प्रैक्टिस में भी बड़े परेशान नजर आए, इंडिया ए के लिए खेलते हुए भी उन्होंने रन नहीं बनाए, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय टीम उन्हें डेब्यू कराने के बारे में पूरी तैयारी कर चुकी है। और अभिमन्यु ईश्वरन को दिखाना होगा कि वर्षों से जो वो तपस्या घरेलू मैचों में कर रहे थे, जो वो रन बना रहे थे, अब उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में आकर दिखाएं दुनिया को और बताएं कि उनकी काबिलियत क्या है। केएल राहुल, जी हाँ दोस्तों, केएल राहुल को नंबर 3 पर खेलने का मिलेगा मौका। केएल राहुल अब शुभमन गिल की जगह इस मुकाबले में आपको नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। केएल राहुल के सामने चुनौती है, उन्हें नंबर 3 पर आकर किसी भी हाल में प्रदर्शन करना ही होगा। केएल राहुल के सामने ये आखिरी मौका होगा, क्योंकि केएल राहुल अगर अब फ्लॉप होते हैं तो शायद उन्हें टीम इंडिया से सीधे सीधे बाहर भी कर दिया जाएगा। विराट कोहली, जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली को बताना होगा कि क्यों उन्हें किंग कोहली कहा जाता है। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका से लेकर दुनिया के हर जगह पर जाकर रन बनाए हैं। ऐसे में विराट कोहली को बताना होगा कि आखिर क्यों वो किंग है, और ऑस्ट्रेलिया में आकर उन्हें ऐसा धमाका करना होगा कि सारे ऑस्ट्रेलियन चौंक जाएं। ऋषभ पंत, जी हाँ दोस्तों, इस पूरी सीरीज में अगर टीम इंडिया सबसे बड़ी उम्मीद किसी से लगा रही है तो ऋषभ पंत है, क्योंकि ऋषभ पंत है ही मैच विनर खिलाड़ी, और जो वो प्रदर्शन करते हैं उसे देखकर हर कोई यही कहता है कि ऋषभ पंत से बचकर रहना, क्योंकि ये खिलाड़ी एक झटके में मैच छीन ले जाता है। तो ऋषभ पंत से इस मुकाबले में बड़ी उम्मीद होगी। सरफराज खान, जी हाँ दोस्तों, ध्रुव जुरेल और सरफराज खान में बाजी लगी और टीम इंडिया ने सरफराज खान को मौका दिया। सरफराज खान पर भरोसा दिखाया जा रहा है और सरफराज खान को भी भरोसा यहाँ सही साबित करना होगा, क्योंकि सरफराज खान को भी पता है कि अगर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उनकी जगह ध्रुव जुरेल आ सकते हैं, और वो ध्रुव जुरेल जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर अच्छा प्रदर्शन किया था, 2 पारियों में 250 भी जड़ी थी। नीतीश रेड्डी, जी हाँ दोस्तों, नीतीश रेड्डी का डेब्यू होने वाला है। नीतीश रेड्डी को भारतीय टीम मौका देगी। दरअसल टीम इंडिया को 4-30 गेंदबाजों की जरूरत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ज़्यादा स्पिनर नहीं भरे जा सकते। तो नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में भारतीय टीम के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। नीतीश रेड्डी को मौका मिलेगा। नीतीश रेड्डी अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और नीतीश रेड्डी को गेंदबाजी करनी भी आती है, तो वो बेहतरीन गेंदबाजी भी करना चाहेंगे, और खबरों के मुताबिक प्रैक्टिस मैचों में भी उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है। वाशिंगटन सुंदर, जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 पर वाशिंगटन सुंदर दिखाई देंगे। वाशिंगटन सुंदर के ऊपर टीम इंडिया अश्विन और जडेजा से पहले भरोसा दिखा रही है। बता रहे हैं कि अश्विन और जडेजा को शायद इस मुकाबले में आराम करना पड़ सकता है, वाशिंगटन सुंदर उनसे पहले खेलेंगे। जसप्रीत बुमराह कप्तान, जी हाँ दोस्तों, जसप्रीत बुमराह कप्तान है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। वो एक तेज गेंदबाज तो है ही, लेकिन वो कप्तान की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, तो जसप्रीत बुमराह को दोनों ही जगह आकर फ्रंट से लीड करना होगा। प्रसिद्ध कृष्णा, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद सिराज से पहले प्रसिद्ध कृष्णा बाजी मार गए। प्रसिद्ध कृष्णा ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर की और ऐसे में उन्हें मौका मिला है, तो प्रसिद्ध कृष्णा आपको पहले टेस्ट में खेलते हुए दिखाई देंगे। मोहम्मद सिराज को बाहर बैठना पड़ सकता है। आकाशदीप, जी हाँ दोस्तों, आकाशदीप को भी मौका मिला है। आकाशदीप एक अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन आकाशदीप को बताना होगा कि सिर्फ अच्छा खिलाड़ी होना काफ़ी नहीं होता, उसे प्रदर्शन करके भी दिखाना होता है। तो दोस्तों आकाशदीप को मौका मिल रहा है, आकाशदीप कैसा प्रदर्शन करके दिखाते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों पहले टेस्ट के लिए आप ये टीम देख सकते हैं, प्लेइंग 11 आपके सामने है, और आप बताइए कि अब प्लेइंग 11 कैसी नज़र आ रही है कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिए। वीडियोग्राफ हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।